ने अपने बेटे को हाथ लगा के आवाज दी कि कुलदीप कुलदीप, मेरी आवाज सुन के मेरा बेटा बहुत लोचा। बहुत लोचा भी देख सको हो किस प्रकार से, मतलब मेरे बेटे ने ऐसे सोचा मेरा पापा आ गया निकालने का, मेरी आवाज सुन के बहुत मछली की तरह लोचा। अगर ड्राइवर ये छोटा और उनके कंपेन के नीचे दबा पड़ा। मेरा बड़ा लड़का जा रहा था मनाली, वहाँ से मनाली से मेरे पास फोन किया, पापा जी ऐसे ऐसे बात हो गई, मेरा छोटे भैया का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पहुँच जा जल्दी से। जी सुनते ही पैदल भाजा, पैदल भाग्या गया जी। मैंने तो उन्हें देख देखा तो दोनों अकेले पड़े कंपेन के नीचे। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल पर। भाई आज कल मैंने घटना देखी और इतनी दर्दनाक घटना थी। उरलाना कला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुलदीप जी के घर में। ये पिताजी हैं, जानेंगे कि कैसी घटना हुई। और राम 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 राम। कितनी आयु बेटे का? नाम क्या था जी? बेटे का नाम कुलदीप था जी। अच्छा, जॉब वगैरह कर? होम गार्ड में ड्यूटी करता था थर्मल चौकी में, पानीपत। हाँ जी पानीपत। वहीं रहता था या डेली अप डाउन? डेली अप डाउन करता था जी। क्या हुआ अंकल, कल परसों घटना है या? हाँ जी, ड्यूटी से आ रहा था मेरा बेटा और इधर से वो आ रहा था, इधर से कंपेन जा रही थी। इधर गांव में ही है कहीं? बाहर सड़क पे रोड पे पावर हाउस के पास मेरा बेटा आ रहा था उधर से, और इधर से कंपेन जा रही थी जी। कंपेन वाले ने दारू पी रखी थी। अच्छा, और कंपेन की लाइट बंद थी, एक लाइट रोंग साइड में चल रही थी कंपेन। अच्छा, उसी साइड से उन्हें आना था, उसी साइड में कंपेन जा रही थी जी। उसकी सामने सामने टक्कर लगी। अच्छा, एक लाइट होने के कारण रोंग साइड की लाइट जग रही थी। उन्होंने सोची भाई कोई मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल की धोखे में वो नजदीक को काटने लग गए जी। एक लड़का तो टक्कर लग दे वहीं टायर के नीचे आ गया। अच्छा जी। और मेरे आला लड़का फिर उसके ऊपर पड़ गया। उसके ऊपर पड़ने के बाद फिर ऊपर मोटरसाइकिल पड़ गई जी उसके। अच्छा जी। मोटरसाइकिल पड़ने के बाद जी वे घिसराते घिसराते चौकी दूर ले गए कंपेन वाले जी। कितने थे कंपेन पे? तीन आदमी थे जी। हाँ तीन आदमी थे जी। और घिसराते घिसराते उनको रगड़ते रगड़ते सड़क पे काफ़ी दूर तक ले जाया गया। और फिर उन्होंने जब वो आगे नहीं सरकी कंपेन तो उन्होंने रोक दी वहीं और छोड़ के भाग गए, फरार हो गए। उनको दोनों को अकेले को छोड़ के भाग गए। वहां से कोई एक आदमी भी प्रेस परली साइड से आ रहा था, उन्होंने देखा। उन्होंने गांव में किसी के पास फ़ोन किया, मेरे लड़के से बात हो गई, मेरा छोटे भैया का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें पहुँच जा जल्दी से। जी सुनते ही पैदल भाजा, पैदल भाग्या गया जी। मैंने तो उन्हें देख देखा तो दोनों अकेले पड़े कंपेन के नीचे। एक तो मौके पे ही ख़त्म था। मैंने अपने बेटे को हाथ कि कुलदीप कुलदीप, मेरी आवाज़ सुन के मेरा बेटा बहुत लोचा। अच्छा। भी देख सको हो किस प्रकार से, मतलब मेरे बेटे ने ऐसे सोचा मेरा पापा आ गया निकालने का, मेरी आवाज सुन के बहुत मछली की तरह लोचा। अगर ड्राइवर एक कदम पीछे हटा देना मेरा बेटा बच जाना। बहुत तड़पा जी मेरा बेटा, जैसे बिना पानी के मछली लोचती ऐसे लोचा जी। कितने बच्चे हैं? चार गुड़िया जी, बड़ी गुड़िया 8 साल की है। एक बच्चे अनाथ कर दिए उन्होंने। हाँ चार गुड़िया गुड़िया जी, मेरी पोती सबसे गुड़िया मेरी बड़ी है। भाई देख सको हो और सुनने में ऐसा भी आया कि बहुत पुरानी सी कंबाइन है। बहुत पुरानी जी, रद है जी, पता नहीं कहाँ से लेके आए थे, 2 नंबर की है क्या के, चोरी चोरी से रात रात को चला रहे थे वो। पता चले कुछ कहाँ से थे वो? नहीं जी हमारे को कोई पता नहीं चला जी, भाग गए वो तो फरार हो गए। मतलब उन्होंने कोशिश भी नहीं करी भाई कम से कम चल एक्सीडेंट हो गए ना निकाल दो? नहीं जी, वो तो दबे दबाया ना छोड़ कर चले गए, भाग गए, उनका तो पता ही नहीं चला। पुलिस ने हमारी बहुत मदद की। अच्छा जी। हाँ पुलिस ने, वहाँ क्यों कह दे, हम पुलिस ने बहुत मदद की है। पुलिस ने हमारे साथ फोन करते गाड़ी लेके आ गए और फटाफट ट्रैक्टर मंगवाया।
पुलिस वालों का कोई कसूर नहीं, पुलिस ने हमारी पूरी मदद की है। अच्छा जी, ट्रैक्टर से पुलिस वाले ने निकलवाया है, फिर सफेदों में लेके गए हैं पुलिस वाले गाड़ी में डाल के, अपनी गाड़ी में पुलिस। हमारी थी गाड़ी तो। हाँ जी, सफेदों भी इसे लिए लेंगे जी, भाई ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो लगवा के फिर पानीपत ले जाएंगे। हाँ, पुलिस ने बहुत मदद की है जी हमारी, पुलिस वाले का कोई कसूर नहीं है। मेन कसूर किसका लगा है? मेन कसूर जी कंपेन वाले का। अच्छा जी। हाँ, कंपेन वाला इधर से जा रहा था जी, शराब पी रखी थी, छिक्का पी रखी थी तीनों आदमियों ने, और ऊपर भी रख रखी है एक बोतल, गिलास भी रख रखा, पानी भी रख रखा। उनके यही नहीं पता था जी हमने किस साइड में जाना है किस साइड में नहीं जाना। केस अगर अंकल पकड़े जावे तो क्या सजा की मांग करो? इस प्रकार के जो वायत किस्म के आदमी, वायत कहोगे क्योंकि जिन्हें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, और चढ़ाएगा ऊपर छोड़ जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आगे फिर किसी के साथ ऐसे हादसा ना हो। प्रशासन से कोई गुहार लगाओ आप किसी प्रकार की, प्रशासन से क्या कहना चाहो? प्रशासन हाँ, प्रशासन से यही कहना चाहवा जी, मेरी ये चार गुड़िया है, मैं बुढ़ा आदमी हूँ 50-55 साल का, इनका कोई रोटी का, मेरी 25 साल की बहू है, बता क्या से क्या खिलाएगी इनको, गरीब आदमी हूँ, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जी मैं, बुढ़ा आदमी मेरे पे तो दिहाड़ी भी नहीं होती, एक हाथ मेरा खत्म है, बता क्या खिलाओ। अच्छा ताऊ जी, जब आप वहाँ पहुँचे और ट्रैक्टर से निकाला तो बेटे में सांस थी? हाँ जी, धड़के तो गर्माहट थी। अच्छा जी, और पहिया कहाँ चढ़ा हुआ था भाई का? भाई गर्दन पे चढ़ा हुआ था, गर्दन पे। हाँ जी, मतलब बहुत चांसेस कम थे क्योंकि नाड़ पे जब इतने कंपेंड बहुत था। बाइक का पहिया चढ़ा हुआ था? बाइक का पहिया जी, बाइक का, बाइक वाले के तो गर्दन पे था जी, और मेरे वाले के ऊपर मोटरसाइकिल की वजन था, छाती रुक के छाती से सांस नहीं आया उसको, उसके चांस थे जी बचने के, जो अगर वो पीछे हटा के खड़ी कर जंदा तो हम अपने निकाल के मंडी ले जाते, हमने उसका टोके क्या करना था, हमने तो अपने बच्चे से मतलब था, वो डरते, हाँ वो डरते भाग गए, हमने अपना बच्चा ले जाना था जी, क्या उनकी क्या जरूरत थी हमने। देख सको हो भाई अड़बड़ाहट में, और न्यू को एकर आ देखो अपना गुना छुपाने का कारण लोग किसी की जान तो यूं भी नहीं सोच दे कि आप थोड़ा एक पल खातर इसने पीछे करके खड़े कर दो, निकालते हो दो कम से कम, जाओ पीछे खड़ी करके भाग जाते, हमने क्या करना था उनका ढूंढ के। अच्छा, गांव वाला था कोई मौका मौजूद उस टाइम जब? हाँ जी, 40-50 आदमी थे, मैं गाँव के थे, गाँव वाले ने बहुत मेहनत की है पीछे दिखाने की कंपेन, लेकिन धक पीछे नहीं हुई, तब ट्रैक्टर मंगाया जी, हटिए नहीं बिल्कुल है। हटिए नहीं क्योंकि कंबाइन का बहुत वजन होता है। अच्छा, आप कंबाइन जो है जब्त कर ली है? हाँ, वो तो चौकी में खड़ी है, चौकी में खड़ी है। अच्छा, कागज को कुछ कुछ है अंकल जी? कागज इस बात का कोई पता नहीं है जी, पुलिस से कोई नहीं जी, हमने अभी तक तो हमारे बच्चे की कोई देर भी नहीं हुई, तीसरा दिन आज। हाँ जी, हाँ जी, शनिवार की घटना है, परसों हुआ जी। देख को भाई शब्द नहीं है मेरे पास, गांव राम का सबका यही कहना, भी चार चार बेटियां हैं, प्रशासन देखो पुलिस कार्रवाई कर रही है बिल्कुल, लेकिन प्रशासन भी थोड़ा परिवार की तरफ देखा, चार चार बेटियां हैं तो उनका क्या भविष्य होगा। और कंबाइन वालों के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना कि इस प्रकार के ड्राइवर लापरवाही करके दारू पी कर अपने एंजॉय का चक्कर में किसी की जिंदगी को लेने से भी वो है कतराते नहीं है। और इतना ही नहीं, जब दोनों बच्चों को ऊपर जो है पहिया चढ़ा था वहीं कंबाइन छोड़ कर वो भाग जाओ, आप सोच सको तो फिर भी कुछ फर्क पड़ता? बिल्कुल दादाजी, है नी जी, वो ऊपर चढ़ा के छोड़ गया, अच्छी बात तो उसने करी ही नहीं, कुछ कम तो कम उल्टी तो कर दंदा उनको ऊपर तो तार दंदा उनती एक कान कर दंदा बाग जंदे फिर गणी कर दे दे आए हुए कर फिर जे यो शा उल्टा काम करदा ही बच गया वो फायदा तो कुछ करया नहीं उनने। बिल्कुल देख को भाई अपना बचाव का सौदा खराब हो गया नहीं, हां काम खराब हो गया, ये काम ठीक नहीं होंदे, ड्राइवर होवे है ड्राइवर का काम बचाण का होवे है, मारण का नहीं होता। ननी देख सको हो भाई, मतलब परिवार किस तरह तड़प रहा है, पिताजी हैं बहुत हालत देखी नहीं जाती, और परिवार पूरा सदमा में है, परिवार क्या मैं तो कहूंगी पूरा गांव सदमा में है जी, पूरा गांव सदमा, सारा गांव सदमा में है जी, पूरा गांव रोवे था जी खड़ा खड़ा, परसों से इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी भीड़ लगी है, कोई आदमी नहीं रहा गाँव में, थे जो
यहाँ नहीं पहुँचा। हर एक आदमी मुँह से यही कहता बहुत बुरा हुआ, ऐसा हादसा मेरे गांव में कभी नहीं हुआ। जैसे डेली इसी टाइम पाता था बेटा? नहीं, उस दिन उसी दिन थोड़ा हो रहा था। देख इसको भाई, वो ही कहो अनहोनी कहो, लेकिन सबसे बड़ी बात है सबसे लापरवाही कंबाइन वाले की, भाई ऊपर पहिया छोड़ कर जो है वो भाग गए हैं। गलत बात कहे रे, ये गलत बात करे, ऊपर पहिया छोड़ना नहीं था, तो वापस जरूर करने। अपने उड़ने हाँ उल्टे वापस करने थे उन्हें जरूर, ये ड्राइवर का काम हुआ है देखने का। तो एक बार है खैर कोई निकाली उसने, उन्हें सोचना था कुछ। बिल्कुल भाई, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देना। अगर ये इस प्रकार के जो है ड्राइवर, अभी तो फिलहाल वो फरार है क्योंकि उन्हें कोशिश पूरी करी है कि किसी की आंखा नजरा में ना आवा, जैसे मौका मिला वो तीनों फरार हो गए। तीन दिन थे, एक दो नहीं, चाह तो वो निकाल सके थे, बचा भी सके थे बच्चों ने, हॉस्पिटल पहुंचा कर सके थे, उनके हाथ में तो थी, हुआ तो थी, उल्टी वापिस तो करते हैं गणी नहीं तो उल्टी तो करते हैं। वो छोड़ के ऊपर छोड़ गए नहीं, वो तो चढ़ाए के ऊपर छोड़ गए, मेरा कोई मतलब था यो चालू की चालू छोड़ गए जी, थोड़ी ही पीछे खड़ी कर दंदा जी, आगे मेरे किस्मत थे मेरा बचता या ना बचता, मेरे मन में नू तो जंदा भाई काट रखे हैं उन्होंने, तो जब बिल्कुल ऐसा हाल कर दिया जैसे राक्षसों ने कर रखे हो। देख लो, थोड़ी ही पीछे खड़ी कर दंदा तो मेरे किस्मत थे मेरे भाग में होंदा बच जंदा ना भाग में होंदा। एक एक तो मौके दूसरा लड़का कहाँ का था ये भी मेरे हमारे पड़ोस का ही था जी, हाँ दोनों यार दोस्त थे मेरे, लड़के का ही दोस्त था, इकट्ठे रहते थे। हाँ जी, वो मतलब डगया हुआ था, वो उसने बिठा के ले आया था मेरे लड़के के साथ बैठ गया। बाइक पे आता था या वैसे ही? बाइक पे आता था जी यार रोज। की कहना चाहो, अंगलोर भी रोज एक्सीडेंट हुए हैं, तो क्या कहना चाहो, आपने तो निजी तौर पर अपना बेटा खोया अपना, ये कहकर ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए जी, किसी के साथ नहीं है, जैसे मेरे लड़के के साथ और मेरे साथ होया, ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जितना बेटा मैंने अपना प्यारा, सभी ने अपने प्यारे हैं जी, आज मेरे साथ है कल ने किसी और के साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, चाहे कितना दुश्मन भी है चाहे उसके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। देख को परिवार है जो बहुत दुख में है, कमेंट बॉक्स में आप भी राय अपनी जरूर देना। और पुलिस प्रशासन के लिए अंकल जी कह रहे हैं कि बहुत प्रयास पुलिस कर रही है, लेकिन तीनों जो है चूंकि मौका देखकर भाग गए, और कंबाइन है जो बहुत पुरानी बताई जा रही है, उनको कोई कागज भी नहीं है जिसके कारण जो है इन्वेस्टिगेशन मोड़ तेजी आवे, तो पुलिस अपना पूरा जोर लगा रही है। तो अगर वो मिल जाए तो केस सजा होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। बाकी प्रशासन से परिवार की जो गुजारिश है भाई, चार छोटी छोटी बेटियां हैं उनके लिए कोई न कोई अच्छी जो है सुविधा सरकार जो है बच्चों को दे, ताकि इनका जी, देखो जिंदगी तो जीनी पड़ती है, मनुष्य चला जाता है, लेकिन बेटियां हैं इनका क्या दोष है। तो जरूर प्रशासन की तरफ से भी थोड़ा बच्चों की तरफ ऐसा हो कि इनका जीवन ठीक तरीके से जो है चल सका है। मन्ने दो इजाज़त, जय हिंद जय हरी।